हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट का पार्ट 6 है और उससे पहले हम लोग पार्ट 5 का उत्तर कर लेते हैं। तो पार्ट 5 में पहले प्रश्न का उत्तर है, ब्रजराज शर्मा। दूसरे प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर सौरभ गांगुली, जो क्रिकेट बीसीसीआई के चेयरमैन है, सौरभ गांगुली। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पंकज कुमार और तीसरे प्रश्न का उत्तर है अनूप सिंह, एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है पीके मिश्रा, प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के। पाँचवें प्रश्न का उत्तर है पीके सिन्हा, ध्यान रहे सिन्हा और मिश्रा का फर्क है। और छठे प्रश्न का उत्तर है पंकज अडवाणी, स्नूकर वाली बात, राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप। और सातवें प्रश्न का उत्तर 15 अप्रैल, आठवें प्रश्न का उत्तर है 5.3%, और नौवें प्रश्न का उत्तर है लेह, दसवें प्रश्न का उत्तर है रूस, रूस में 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो चलिए पार्ट 6 का प्रश्न लेते हैं। तो पार्ट 6 का पहला प्रश्न, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच संपत्तियों के विभाजन की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? और दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया प्रमुख किसे चुना गया है? तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहिए। और आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए, ये करंट है। चौथा प्रश्न, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पांचवा प्रश्न, पहली आदिवासी महिला कॉमर्शियल पायलट कौन है? तो ये रहा छठे का पांचवा प्रश्न हो गया है। अब हम छठा प्रश्न लेते हैं। नौ मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सातवां प्रश्न, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? आठवां प्रश्न, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? और आपको पता है, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये करंट में इस बात का आप ख्याल रखें कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट के लिए चिंता ना करें, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है आपको। आपको होपलेस होने से बेहतर है आप बार बार रिपीट करें, प्रैक्टिस करें, इसका एक ही इलाज है। पिछली वीडियो आप देखें, प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करें। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको खुद अपने दिमाग में सोचना है कि कितना आपने सही किया। पिछली बार 3 सही किया तो अगली बार 6 सही होना चाहिए, 5 सही होना चाहिए, ये रिपोर्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और करेंट का जो पिछली सीरीज है उसको पूरा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करते रहे, 1-2 वीडियो पीछे का देखते रहे, साथ में जीके 1 से 105 जो है उसको आप पहले कर लें। चलिए नवा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है?
और दसवां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? चलिए इसका उत्तर कीजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान रखिए। थैंक यू।